32,000 करोड़ रुपए का स्कैम, इंडिया भारत का एक बहुत बड़ा घोटाला 90s के टाइम पे हुआ था। हर्षद मेहता स्कैम से भी बहुत बड़ा स्कैम हुआ था। हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। आज की इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि आज की जो वीडियो है वो मेरे रिसर्च के ऊपर बेस्ड है, यानी कि जो भी सोशल मीडिया है या तो जो भी डिजिटल प्रिंट मीडिया है, फॉर एग्जाम्पल न्यूज़पेपर, आर्टिकल्स, ब्लॉग्स या तो जो भी बाकी की वीडियोस है, वो सारे रेफरेंसेस के थ्रू, वो सारे सोर्सेस के थ्रू आज के इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं एक बहुत बड़े स्कैम के बारे में, एक बहुत बड़े घोटाले के बारे में जो 1993 से लेकर 2002-2003 तक बहुत बड़े लेवल पे हुआ था। यानी कि 10 साल से 12 साल जो स्कैम है वो बहुत बड़े लेवल पे चला था। एंड इस स्कैम की दोस्तों जो टोटल वैल्यू बताई जाती है वो बताई जाती है कि 32,000 करोड़ तक का ये स्कैम था। एंड कई रिपोर्ट्स के हिसाब से इस स्कैम की जो वैल्यू बताई जाती है वो 32,000 करोड़ से भी ज्यादा की बताई जाती है। एंड ये स्कैम क्या था दोस्तों, ये स्कैम बेसिकली था दोस्तों स्टैम्प पेपर स्कैम, यानी कि नकली फर्जी स्टैम्प पेपर बेचने का स्कैम था ये। जो भी 10 रुपए का, 100 रुपए का, 1,000 रुपए का, 10,000 रुपए का स्टैम्प पेपर आता था वो फर्जी जाली स्टैम्प पेपर बेचने का स्कैम था, जिसको हम अभी आगे डिटेल में कवर करेंगे। एंड इस स्कैम के दोस्तों जो मास्टरमाइंड थे, जो मेन खिलाड़ी थे, उनका नाम था अब्दुल करीम तेलगी, जिनकी 2017 में डेथ हो चुकी है। एंड इस अब्दुल करीम तेलगी को स्टैम्प पेपर स्कैम में दोस्तों जो मदद कर रहे थे उसमें से थे कुछ पॉलिटिशियंस, कुछ टॉप लेवल गवर्नमेंट के ऑफिसर, कुछ टॉप लेवल पुलिस ऑफिसर एंड कुछ रेलवे एम्प्लॉई। यानी कि दोस्तों कुछ ऐसे लोग जिनके हाथ में पावर था, उन्होंने अपने पावर का गलत यूज किया, मिसयूज किया पैसे कमाने के लिए। तो आज के इस वीडियो में हम यही समझेंगे कि अब्दुल करीम तेलगी कौन थे, इन्होंने कैसे इतना बड़ा स्कैम किया और कौन कौन से लोग इस स्कैम में इन्वॉल्व थे, क्योंकि दोस्तों इतना बड़ा घोटाला कोई पर्सन अकेला नहीं कर सकता है। एंड कब ये स्कैम लोगों के सामने आया, क्या इसका इंपैक्ट था एंड क्या अभी भी इस तरीके का कोई स्कैम चल रहा है, तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग, काफी नॉलेजेबल है। आपसे रिक्वेस्ट यह है दोस्तों कि वीडियो पूरा एंड तक देखना है ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस ना हो जाए। तो दोस्तों अगर आप एज एंटरप्रेन्योर, बिजनेस ओनर, कॉर्पोरेट लीडर, स्टूडेंट, इन्फॉर्मर, इन्वेस्टर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो में पूरा बने रहना दोस्तों, हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों हम सबसे पहला जानते हैं स्टैम्प पेपर स्कैम के जो मास्टरमाइंड थे अब्दुल करीम तेलगी, उनके बैकग्राउंड के बारे में। तो दोस्तों अब्दुल करीम तेलगी का जन्म 1961 में कर्नाटक के खानपुर में हुआ था। अब्दुल करीम तेलगी के फादर एक रेलवे एम्प्लॉई थे एंड जब अब्दुल करीम तेलगी काफी छोटे थे तो उनके फादर की डेथ हो जाती है। उनके फादर के डेथ के बाद दोस्तों अब्दुल करीम तेलगी एंड इनके दो और भाई थे, अब्दुल रहीम तेलगी एंड अब्दुल अजीम तेलगी, तीनों भाई अपने मदर की हेल्प करते हैं फ्रूट एंड वेजिटेबल सेल करने में। यानी कि दोस्तों इनके फादर के डेथ के बाद खानपुर रेलवे स्टेशन पे ही अब्दुल करीम तेलगी अपने भाई एंड अपने मदर के साथ में फ्रूट एंड वेजिटेबल सेल करते थे। उस टाइम पे दोस्तों खानपुर रेलवे स्टेशन पे 10 से 12 ट्रेन आती जाती थी, तो उसी के सहारे इनका घर चलता था। अब्दुल करीम तेलगी दोस्तों काम के साथ में अपनी पढ़ाई भी करते थे, तो उन्होंने अपनी बेसिक स्कूलिंग एजुकेशन कंप्लीट करी, फिर 1984 में उन्होंने अपनी बीकॉम की डिग्री कंप्लीट करी एंड ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद वो मुंबई आ जाते हैं जॉब सर्च करने के लिए। अब दोस्तों मुंबई आने के बाद अब्दुल करीम तेलगी को जो सबसे पहला जॉब मिलता है वो एक सेल्स एग्जीक्यूटिव का जॉब मिलता है फिलिक्स इंडिया लिमिटेड में। एंड ये कंपनी बेसिकली दोस्तों ऑफिस फर्नीचर में डीलिंग करती थी, क्योंकि ये एक सेल्स का जॉब था तो अब्दुल करीम तेलगी को टारगेट था, बट उन्होंने टारगेट कंप्लीट नहीं किया तो कुछ टाइम के बाद उनको जॉब छोड़ना पड़ता है। उसके बाद दोस्तों कुछ समय के बाद ही उनको मुंबई के कोलाबा में एक मैनेजर का जॉब मिल जाता है किशन गेस्ट हाउस में। वहां पे कुछ टाइम काम करने के बाद दोस्तों 80s-90s में मिडिल ईस्ट कंट्री जाने का काफी ज्यादा ट्रेंड चल रहा था, सऊदी अरबिया, कुवैत वगैरह जाने का काफी ज्यादा ट्रेंड चल रहा था, तो अब्दुल करीम तेलगी ने भी डिसाइड किया कि वो आउट ऑफ इंडिया एब्रॉड जाएंगे एंड वहां पे काफी अच्छा पैसा अर्न करेंगे। इस तरीके से दोस्तों 1986 में अब्दुल करीम तेलगी को सऊदी अरबिया में जॉब मिल जाता है एंड वो मुंबई से सऊदी अरबिया चले जाते हैं। एंड वहां पे दोस्तों तकरीबन 7 साल काम करने के बाद, 7 साल बिताने के बाद वो वापस से मुंबई आते हैं। अब वापस मुंबई आने के बाद दोस्तों अब्दुल करीम तेलगी एक ट्रैवल एजेंट का बिजनेस स्टार्ट करते हैं एंड इनके कंपनी का नाम होता है अरबियन मेट्रो ट्रैवल्स। एंड इनका काम होता है लोगों को एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए एब्रॉड भेजना, मिडिल ईस्ट कंट्री भेजना, सऊदी अरबिया, कुवैत वगैरह भेजने का ये काम करते हैं। यहाँ पे दोस्तों स्पेशल ये कुछ ऐसे लोगों को एब्रॉड भेजते हैं जिनका डॉक्यूमेंट प्रॉपर नहीं होता है, उनका फेक पासवर्ड बना के, फेक डॉक्यूमेंट बना के उनका किसी भी तरीके से जुगाड़ से, पहचान से इमिग्रेशन कंप्लीट करवाते थे। इस तरीके से दोस्तों कुछ टाइम तो इनका बिजनेस काफी अच्छा चल रहा था, उन्होंने काफी पैसा भी अर्न किया था, लेकिन एक बार प्रॉब्लम हो जाती है
ये बहुत सारे लोगों से एब्रॉड ले जाने के लिए पैसे लिए होते हैं एंड ये जिन पर्सन से काम करवाते थे जो थर्ड पार्टी थी उनके तरफ से कोई प्रॉब्लम हो जाती है जिसके चक्कर में ये लोगों को एब्रॉड नहीं भेज पाते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने पैसा तो पहले से ही ले लिया था, तो लोग कुछ टाइम वेट करते हैं, उसके बाद वो अब्दुल करीम तेलगी के ऊपर केस फाइल कर देते हैं। एंड यहाँ पे अब्दुल करीम तेलगी को 1991 में पहली बार पुलिस अरेस्ट करती है चीटिंग एंड फॉर्जरी के केसेस में। अब दोस्तों जेल जाने के बाद में अब्दुल करीम तेलगी की जेल में ही मुलाकात होती है एक और कैदी से जिनका नाम था रतन सोनी। रतन सोनी दोस्तों मुंबई के एक स्टॉक ब्रोकर थे एंड उन्होंने स्टॉक एक्सचेंज में कोई फ्रॉड किया था जिसके चक्कर में उनको भी जेल हुई थी। एंड यहाँ पे जो रतन सोनी थे वो रेगुलर क्राइम करते थे तो उनको जेल का एक्सपीरियंस पहले से ही था। एंड यहाँ पे अब अब्दुल करीम तेलगी और रतन सोनी एक दूसरे को अपने बारे में बताते हैं, अपना क्राइम बताते हैं एंड इस तरीके से दोनों के बीच में अब दोस्ती हो जाती है। एंड यहाँ पे अब दोस्तों जो रतन सोनी थे वो अब्दुल करीम तेलगी को गाइड करते हैं, समझाते हैं कि भाई अगर आपको फ्रॉड करना ही है तो चिल्लर पैसों के लिए क्यों फ्रॉड करना, बड़े अमाउंट का स्कैम करो, बड़े अमाउंट का फ्रॉड करो। एंड इस तरीके से अब अब्दुल करीम तेलगी को रतन सोनी एक प्लानिंग भी देते हैं कि इंडिया में जो सबसे अनमॉनिटर्ड नेग्लेक्टेड गवर्नमेंट की डिपार्टमेंट है जहां पे किसी की भी नजर ज्यादा नहीं जाती है वो है गवर्नमेंट का स्टैम्प पेपर ऑफिस। अगर हम किसी भी तरीके से नकली स्टैम्प पेपर छापने का काम स्टार्ट करते हैं तो हम काफी अच्छा पैसा बना सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों जो स्टैम्प पेपर स्कैम का प्लानिंग कह सकते हैं सबसे पहला प्लानिंग वो जेल में होता है, दोनों के कोलैबोरेशन होते हैं एंड कुछ टाइम के बाद दोस्तों दोनों कैदी जेल से छूट जाते हैं। अब दोस्तों जेल से छूटने के बाद में जो अब्दुल करीम तेलगी थे वो फेक स्टैम्प पेपर के बिजनेस में थोड़े नए थे, लेकिन दोस्तों जो रतन सोनी थे उनको ये बिजनेस का पहले से एक्सपीरियंस था, वो पहले भी फेक स्टैम्प पेपर का बिजनेस करते आ रहे थे। तो यहाँ पे दोस्तों आप ऐसा कह सकते हैं कि जो रतन सोनी थे वो अब्दुल करीम तेलगी के गुरु थे, लेकिन बाद में जो बड़ा स्कैम है वो अब्दुल करीम तेलगी करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों जो रतन सोनी है वो अब्दुल करीम तेलगी को गाइड करते हैं एंड कहते हैं कि अगर आपको फेक स्टैम्प पेपर का बिजनेस करना है तो सबसे पहला आपके पास में स्टैम्प वेंडिंग लाइसेंस होना चाहिए ताकि जब आप फेक स्टैम्प पेपर बेचोगे तो आपके ऊपर किसी का भी डाउट नहीं जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों 1994 में अब्दुल करीम तेलगी को स्टैम्प वेंडिंग लाइसेंस मिल जाता है कुछ पॉलिटिशियंस के मदद से। अब दोस्तों स्टैम्प वेंडिंग लाइसेंस मिलने के बाद में अब्दुल करीम तेलगी स्टैम्प पेपर बेचने का बिजनेस स्टार्ट करते हैं, जहां पे कुछ स्टैम्प पेपर तो अब्दुल करीम तेलगी ओरिजिनल परचेस करते हैं लेकिन उसमें बहुत सारे स्टैम्प पेपर फर्जी डुप्लीकेट मिलाए जाते हैं जो कि रतन सोनी से एंड बाकी के लोगों से अब्दुल करीम तेलगी परचेस करते थे एंड उस ओरिजिनल स्टैम्प पेपर में बाकी के डुप्लीकेट फर्जी स्टैम्प पेपर मिला के वो मार्केट में सेल करते थे। तो इस तरीके से दोस्तों अब्दुल करीम तेलगी अपने फेक स्टैम्प पेपर के बिजनेस को चला रहे थे एंड अच्छा खासा पैसा भी अर्न कर रहे थे। एंड धीरे धीरे दोस्तों अब्दुल करीम तेलगी की भी नेटवर्क बढ़ते जा रही थी एंड फेक स्टैम्प पेपर के बिजनेस में अब्दुल करीम तेलगी को काफी ज्यादा एक्सपीरियंस हो गया था एंड अब्दुल करीम तेलगी की पहचान भी काफी हो गई थी। तो अब दोस्तों कुछ टाइम के बाद में अब्दुल करीम तेलगी डिसाइड करते हैं कि वो खुद ही अब फेक स्टैम्प पेपर छापेंगे, जिसके लिए अब्दुल करीम तेलगी को पता था कि उनको अच्छी खासी पहचान बनानी पड़ेगी। तो यहाँ पे दोस्तों अब्दुल करीम तेलगी ने कुछ पॉलिटिशियन से, कुछ टॉप लेवल पुलिस ऑफिसर से, कुछ अंडरवर्ल्ड के लोगों से एंड कुछ इंडियन सिक्योरिटी प्रेस जो कि नासिक में है, ये एक गवर्नमेंट इंडियन गवर्नमेंट की कंपनी है जिसका काम है पासपोर्ट वीजा अलग अलग स्टैम्प पेपर वगैरह छापना, इनके पास में स्टैम्प पेपर छापने की अथॉरिटी है। तो यहाँ पे दोस्तों अब्दुल करीम तेलगी ने इंडियन सिक्योरिटी प्रेस जो कि नासिक में है वहां के भी कुछ ऑफिसियर से पहचान बनाई, दोस्ती बनाई। दोस्ती क्या दोस्तों कि आप मुझे पैसा दो हम आपका काम करके देंगे। एंड इस तरीके से दोस्तों अब्दुल करीम तेलगी ने एक बहुत बड़ा नेटवर्क बनाया जिसमें पॉलिटिशियन, पुलिस ऑफिसर, इंडियन सिक्योरिटी प्रेस के कुछ लोगों को पैसे खिलाए गए एंड उसके बदले में वो अब्दुल करीम तेलगी के लिए काम करेंगे, अब्दुल करीम तेलगी को हेल्प करेंगे। अब दोस्तों फर्जी स्टैम्प पेपर छापने के लिए जो सबसे पहला काम करना था वो था कुछ पावरफुल लोगों के साथ में नेटवर्क बिल्ड करना, वो तो अब्दुल करीम तेलगी ने पहले ही बिल्ड कर लिया था। अब दोस्तों यहाँ पे सेकंड जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज चाहिए था वो था स्पेशल प्रिंटिंग मशीन जिसके जरिए फर्जी स्टैम्प पेपर छापे जाएंगे। एंड ये स्पेशल प्रिंटिंग मशीन कहां से मिलेगा, तो ये मिलेगा इंडियन सिक्योरिटी प्रेस नासिक से जहां पे स्टैम्प पेपर वगैरह छपता है। तो जिस मशीन से वो स्टैम्प पेपर छपता है वही सेम मशीन अब्दुल करीम तेलगी को चाहिए था एंड अब्दुल करीम तेलगी का इंडियन सिक्योरिटी प्रेस में अच्छा खासा पहचान भी था तो इनको मशीन मिलता भी है। एंड ये मशीन कैसे मिलता है, तो यहाँ पे दोस्तों इंडियन सिक्योरिटी प्रेस में जहां पे स्टैम्प पेपर वगैरह छपता था तो जिस मशीन से वो स्टैम्प पेपर छपता था उस मशीन की एक लाइफ होती थी कि वो मशीन 5 साल चलेगा, 10 साल चलेगा, 12 साल चलेगा, उसके बाद वो मशीन स्क्रैप हो जाता था। एंड जब वो मशीन स्क्रैप होता है तो या तो उस मशीन को डिस्ट्रॉय किया जाता था या तो उस मशीन को भंगार में बेच दिया जाता था।
लेकिन अब ये मशीन क्योंकि अब्दुल करीम तिलगी को चाहिए था, तिलगी की इंडियन सिक्योरिटी प्रेस में पहचान भी थी, तो यहाँ पे दोस्तों उस मशीन की बिडिंग होती थी जो कि अब्दुल करीम तिलगी के फेवर में पहले से होता था। यहाँ पे कोशिश की जाती थी कि भाई वो मशीन को डिस्ट्रॉय मत करो, ये मशीन किसी भी तरीके से बिडिंग में आएगा एंड अब्दुल करीम तिलगी उस मशीन को लेके जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों स्पेशल प्रिंटिंग मशीन कुछ इंडियन सिक्योरिटी प्रेस के लोगों की मदद से अब्दुल करीम तिलगी को मिलते रहता है। इसके अलावा दोस्तों अब्दुल करीम तिलगी को ओरिजिनल डाई भी मिलता है स्टैम्प पेपर छापने के लिए एंड कुछ स्पेशल पेपर भी मिलते हैं। यानी कि दोस्तों अगर एक लाइन में कहे तो अब अब्दुल करीम तिलगी के पास में स्पेशल मशीन भी था एंड जो मटेरियल चाहिए स्टैम्प पेपर छापने के लिए वो मटेरियल भी था। अब दोस्तों अब्दुल करीम तिलगी इंडियन सिक्योरिटी प्रेस के कुछ रिटायर ऑफिसर को अपने पास काम पे रखते हैं, हायर करते हैं एंड कुछ इंडियन सिक्योरिटी प्रेस के जो करंट ऑफिसर थे वो भी उनकी मदद करते रहते हैं। ये सारे लोगों के हेल्प से मदद से अब्दुल करीम तिलगी फर्जी स्टैम्प पेपर छापना शुरू करते हैं। यहाँ पे दोस्तों इंडियन सिक्योरिटी प्रेस के पास में स्टैम्प पेपर छापने के लिए जो टेक्नोलॉजी था वो सेम टेक्नोलॉजी अब्दुल करीम तिलगी के पास में ही था। यहाँ पे फर्क सिर्फ इतना था कि भाई जो ओरिजिनल स्टैम्प पेपर है वो इंडियन सिक्योरिटी प्रेस नासिक में छपते थे एंड जो फर्जी स्टैम्प पेपर है वो अब्दुल करीम तिलगी के पास में छपते थे। दोनों में दोस्तों डिफरेंस करना काफी मुश्किल था। अभी तक दोस्तों हमने डिस्कस किया कि कैसे अब्दुल करीम तिलगी फर्जी स्टैम्प पेपर छापना स्टार्ट करते हैं, वो भी डिफरेंट टाइप ऑफ स्टैम्प पेपर इंक्लूडिंग अदर लीगल डॉक्यूमेंट। फॉर एग्जाम्पल फेक स्टैम्प पेपर, फेक रेवेन्यू स्टैम्प, कोर्ट फी स्टैम्प, नोटरियल स्टैम्प, शेयर ट्रांसफर सर्टिफिकेट, बैंकर्स नोट, फॉरेन बिल, इस तरीके का दोस्तों जो भी लीगल डॉक्यूमेंट अब्दुल करीम तिलगी के लिए पॉसिबल था वो सारे डॉक्यूमेंट अब्दुल करीम तिलगी छापना स्टार्ट करता है एंड ये सारे फर्जी स्टैम्प पेपर को एंड बाकी के जो भी लीगल डॉक्यूमेंट है उसको सेल करने के लिए, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, मार्केटिंग करने के लिए अब्दुल करीम तिलगी ने तकरीबन 350 एजेंट्स हायर किए थे इंक्लूडिंग MBA एजेंट, जिनका काम था अलग अलग बैंक से, इंश्योरेंस कंपनी से, स्टॉक ब्रोकरेज फॉर्म से एंड जो भी कॉर्पोरेट है जो स्टैम्प पेपर वगैरह में डील करती है, जिनको बल्क में स्टैम्प पेपर की जरूरत पड़ती है एंड जिनके पास में भी स्टैम्प वेंडिंग लाइसेंस है, वो सारे लोगों के साथ में डील करना एंड उनको स्टैम्प पेपर सेल करना वो भी डिस्काउंटेड प्राइस पे। यानी कि दोस्तों जो प्राइस पे गवर्नमेंट स्टैम्प पेपर सेल करती थी अब्दुल करीम तिलगी उससे भी सस्ते प्राइस पे स्टैम्प पेपर सेल करते थे। इस तरीके से दोस्तों अब्दुल करीम तिलगी का जो फर्जी स्टैम्प पेपर का बिजनेस था वो महाराष्ट्र से स्टार्ट होता है एंड धीरे धीरे और भी स्टेट्स में इनका बिजनेस फैलते चले जाता है। अब दोस्तों अब्दुल करीम तिलगी का जो इलीगल स्टैम्प पेपर का बिजनेस था उसको थोड़ा एनालाइज करें, थोड़ा अंदाजा लगाए तो इनका दोस्तों जो इलीगल बिजनेस था वो 18 स्टेट्स में फैला हुआ था, 74 सिटीज में, 176 से भी ज्यादा इनके ऑफिसेज थे, 1000 से भी ज्यादा एम्प्लॉयज थे, 350 से भी ज्यादा एजेंट्स थे इंक्लूडिंग MBA एजेंट जिनका काम था स्टैम्प पेपर वगैरह सेल आउट करना, 123 बैंक अकाउंट्स थे, 36 से भी ज्यादा प्रॉपर्टीज थे अक्रॉस दी कंट्री एंड अब्दुल करीम तिलगी ने अपने बिजनेस को और भी अलग अलग बिजनेस में डाइवर्सिफाइड कर रखा था। एंड यहाँ पे दोस्तों एक रिपोर्ट्स के हिसाब से अब्दुल करीम तिलगी ने एक रात में एक बार गर्ल के पीछे 93 लाख रुपीस उड़ा दिए थे। तो आप समझ सकते हैं कि इनके पास में कितना ज्यादा पैसा होगा, ये जो फर्जी स्टैम्प पेपर का बिजनेस था वो कितना बड़ा स्कैम होगा। एंड मैंने आपको पहले ही बताया था कि रिपोर्ट्स के हिसाब से अब्दुल करीम तिलगी ने 10 साल में 32,000 करोड़ के स्टैम्प पेपर को सेल कर दिया था। अब दोस्तों हम देखते हैं कि कैसे इतना बड़ा घोटाला जो स्टैम्प पेपर स्कैम था वो लोगों के सामने आता है एंड कब अब्दुल करीम तिलगी पकड़ा जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों 19 अगस्त 2000 को बेंगलुरु पुलिस को एक टिप मिलता है कि 2 पर्सन फेक स्टैम्प पेपर ट्रांसपोर्ट कर रहे। उस टिप के बेसिस पे दोस्तों बेंगलुरु पुलिस रेड मारती है, छापे मारती है एंड वहां से उनको कुछ स्टैम्प पेपर मिलता है एंड वो स्टैम्प पेपर का बाद में जब इन्वेस्टिगेशन होता है तो पता चलता है जो स्टैम्प पेपर है वो फर्जी स्टैम्प पेपर है एंड बेंगलुरु पुलिस वो दो लोगों को अरेस्ट करती है एंड उनसे पूछताछ किया जाता है। तो बाद में वो अपने कुछ नेटवर्क के बारे में बताते हैं एंड बाद में पुलिस और भी कई जगह पे रेड मारती है, छापे मारती है एंड करोड़ों के स्टैम्प पेपर, फर्जी स्टैम्प पेपर पुलिस ऑफिसर को मिलता है अलोंग विथ अदर लीगल डॉक्यूमेंट। उसके बाद दोस्तों जो सारे लोगों से जब पूछताछ किया जाता है तो उसमें एक नाम कॉमन आता है अब्दुल करीम तिलगी का एंड वहां पे दोस्तों उस टाइम पे जितने भी लोग स्टैम्प पेपर वगैरह में डील करते थे वो अलग अलग जगह पे भागे होते हैं पुलिस के डर से। उसके बाद दोस्तों जब पुलिस अब्दुल करीम तिलगी के अलग अलग ठिकाने पे छापा मारती है तो वहां पे अब्दुल करीम तिलगी उनको नहीं मिलते हैं। फिर दोस्तों नवंबर 2001 में बेंगलुरु पुलिस को एक टिप मिलता है कि अब्दुल करीम तिलगी राजस्थान अजमेर जा रहे हैं। तो वहां पे दोस्तों बेंगलुरु पुलिस अपना नेटवर्क फैलाती है, जाल बिछाती है एंड अब्दुल करीम तिलगी को वहां से अरेस्ट किया जाता है एंड मुंबई लाया जाता है क्योंकि अब्दुल करीम तिलगी के खिलाफ मुंबई में एंड और भी स्टेट्स में पहले से भी बहुत सारे केसेस दर्ज थे लेकिन उनकी पॉलिटिशियन से, पुलिस ऑफिसर से पहचान थी जिसके बेसिस पे कोई सीरियस इन्वेस्टिगेशंस नहीं होता था।
फिर दोस्तों अब्दुल करीम तिलगी को मुंबई जाने के बाद में उनसे पूछताछ की जाती है तो वो बड़े बड़े पॉलिटिशियंस कुछ बड़े बड़े ऑफिसर्स के नाम बताते हैं, तब पता चलता है जो स्कैम है वो एक बहुत बड़ा स्कैम है। उसके बाद दोस्तों इस केस को सीरियसली इन्वेस्टिगेट करने के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाया जाता है एंड अब्दुल करीम तिलगी से अब पूछताछ स्टार्ट होती है, जहां पे दोस्तों तकरीबन 67 लोगों को अरेस्ट किया जाता है। उसमें कुछ बड़े पॉलिटिशियंस, पुलिस ऑफिसर्स और भी कई सारे लोग शामिल होते हैं। अगर मैं आपको 5-6 नाम बता दूं तो सबसे पहला महाराष्ट्र डिस्ट्रिक्ट धुले से एमएलए अनिल घोटे, जिनको 4 साल की सजा होती है, उसके बाद उनके ऊपर से सारे चार्जेस हटा दिए जाते हैं। फिर दोस्तों एमएलए कृष्णा यादव को अरेस्ट किया जाता है, जो कि आंध्र प्रदेश हिमायत नगर के एमएलए होते हैं। उसके बाद दोस्तों असिस्टेंट इंस्पेक्टर दिलीप कामत को अरेस्ट किया जाता है कि वो अब्दुल करीम तिलगी को जेल के अंदर कुछ फैसिलिटी प्रोवाइड करते थे। फिर दोस्तों फॉर्मर मुंबई पुलिस कमिश्नर आर एस शर्मा को अरेस्ट किया जाता है। फिर स्टैम्प सुपरिटेंडेंट रामदास पोटले को अरेस्ट किया जाता है। फिर फॉर्मर डिप्टी कमिश्नर ऑफ मुंबई पुलिस प्रदीप सावंत को अरेस्ट किया जाता है। इस तरीके से दोस्तों तकरीबन 67 लोगों को अरेस्ट किया जाता है। उसके बाद दोस्तों अब्दुल करीम तिलगी का नार्को टेस्ट भी किया जाता है, ये सोच के कि उसके पास से कुछ और एविडेंस मिलेंगे और सबूत मिलेंगे। एंड जब अब्दुल करीम तिलगी का नार्को टेस्ट होता है तो दो और बड़े पॉलिटिशियंस का नाम सामने आता है। सबसे पहला एनसीपी के शरद पवार, जो उस टाइम के यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे, एंड महाराष्ट्र के मिनिस्टर छगन भुजवल। इनके ऊपर ये एलिगेशन होता है कि इन्होंने अब्दुल करीम तिलगी से पैसे लिए थे, लेकिन बाद में दोस्तों शरद पवार एंड जो भी छगन भुजवल थे वो मना कर देते हैं कि उनका अब्दुल करीम तिलगी से कोई लिंक नहीं था एंड उन्होंने कोई भी पैसे नहीं लिए थे। एंड बाद में जो नार्को टेस्ट होता है उसको गलत बताया जाता है, बताया जाता है कि अब्दुल करीम तिलगी बिल्कुल होश में थे एंड वो नार्को टेस्ट को ही गलत बताया जाता है। उसके बाद दोस्तों अब्दुल करीम तिलगी का जो केस था, जिसे स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम एसआईटी हैंडल कर रही थी, उस केस को 2004 में सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया जाता है फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए। एंड 2006 में जो कोर्ट है वो अब्दुल करीम तिलगी को 30 साल का इम्प्रिजमेंट यानी कि 30 साल जेल की सजा एंड 202 करोड़ रुपीस का फाइन भी लगाती है, जो कि इंडिया के हिस्ट्री में एक बहुत बड़ा फाइन माना जाता है। उसके बाद दोस्तों अब्दुल करीम तिलगी के 30 साल जेल के टर्म को बाद में कम करके 13 साल कर दिया जाता है, यानी कि 2019-2020 तक अब्दुल करीम तिलगी जेल से छूट जाने वाले थे, लेकिन 2017 में ही अब्दुल करीम तिलगी की डेथ हो जाती है ड्यू टू मल्टीपल ऑर्गन फेलियर। अब्दुल करीम तिलगी को हाई ब्लड प्रेशर, शुगर, बीपी एंड एड्स जैसी बीमारी होती है, जिसके वजह से अब्दुल करीम तिलगी का जो शरीर है वो काम करना बंद कर देता है एंड इनकी 2017 में ही डेथ हो जाती है। एंड अब्दुल करीम तिलगी के डेथ के बाद में उनके ऊपर जो भी चार्जेस होते हैं वो सारे चार्जेस को हटा दिया जाता है। उसके अलावा 6-7 और आरोपी होते हैं, उन लोगों के ऊपर भी जो भी चार्जेस होता है उनके ऊपर से भी सारे चार्जेस को हटा दिया जाता है, सारे लोगों को क्लीन शीट मिल जाती है। क्योंकि अब्दुल करीम तिलगी की डेथ हो गई है, जो एविडेंस था, सबूत था, वही मिट गया है, तो लैक ऑफ एविडेंस की वजह से सारे लोगों को छोड़ दिया जाता है। एंड ये पूरे स्कैम के ऊपर एक पिक्चर भी बनी है जिसका नाम है मुद्रक द स्कैम, आप सिंपली इसको MX प्लेयर पे देख सकते हैं। तो यही थी पूरी की पूरी वीडियो, उम्मीद करता हूं आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन जरूर मिला होगा। अगर वीडियो से वैल्यू मिली है तो वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद दोस्तों।